कांग्रेस कार्यालय पर किया गया ध्वजारोहण। जी हां, यूपी के जिला आगरा में थाना वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर वह विधानसभा कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गान गाते हुए ध्वजारोहण किया गया। साथ में वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। देखें आगरा से राम निवास की रिपोर्ट। और हम लोग यहाँ आकर मोहल्ला गंज जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है वहाँ पर आकर हम सब लोगों ने आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया और ध्वजारोहण किया और इसके उपरांत मिष्ठान वितरित किया और हमने हमारे उपाध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारी सभी लोगों ने मिलकर वरिष्ठों का सम्मान भी किया। हम आज कहना चाहते हैं आज के एवज में कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की है, गरीबों की पार्टी है, जिसने सदैव ही जब ब्रिटिश सरकार से आज़ादी जो हुई थी तो सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, एक लड़ाई लड़ी थी कि इस देश का हर नागरिक खुशहाल बने। तो आज हम सब लोग अपने महापुरुषों को भी याद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मना। पुरानी पार्टी कांग्रेस ही तो है और आज पुराने जितने लोग संस्कार भूलते चले जा रहे हैं उतने ही गड्ढे में जा रहे हैं। आज किसानों की कौन सुन रहा है, सुन रहा है बताओ? दो महीने से किसान उस पर डरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गरीबों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। विष्णु लटूरी तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, लटूरी चलो बोलो। कोई देश पर राज करेगा जो गरीब की बात करेगा, कोई देश पर राज करेगा। हम बोलेंगे।